आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जातो संसार। ये सत्यता है, आज संतों के हेतु की कृपा है। और आपने जो स्नेह की बात कही ये बिल्कुल सच है। आपको 3 या 4 महीने हुए हैं और मुझे आज 1 हफ्ता हुआ है। कल मैंने जो शब्द सुना था उसमें इतना स्नेह था। कल जब जन्मदिवस की आपने इतनी प्यारी तैयारी की तो उस समय आपके मुख से एक शब्द निकला था कि जी आप तो बच्चे की तरह हो। तो जहां ये शब्द आया बच्चे की तरह, तो इससे बड़ी और कोई आत्मीयता हो नहीं सकती। और हमारे पूज्य पिता श्री बाबूजी का भी हमेशा यही कहना रहता है, कहीं भी ये भाव ना रहे कि आप पंडित जी हैं, हम यजमान के यहाँ जा रहे हैं, ना ना ना, हम अपने परिवार में ही अपने सत्संग के लिए जा रहे हैं। तो आज उसकी जो एक शुरुआत आपने की, मेरा हृदय इतना गदगद था। कल कोई मुझसे कह भी रहा था कि आपके आंखों में अश्रु दिख रहे हैं। अब हमने कहा जहाँ इतनी बड़ी, आप बोले थे शायद, हाँ, तो हमने कहा जहाँ इतनी सहज सांस से इतनी प्यारी बात को कहा, वरना अरे ये भी तो वो होता गुरुजी पंडित जी, नहीं नहीं, कितनी आत्मीयता देखिए आप, हृदय का आप उल्लास और प्रेम देखिए। बोले जी आप तो बच्चे की तरह हो। तो जो इतना स्नेह आपने प्रदान किया है, मैं कोटिशः बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद भी क्या दूँ, राधे राधे, जो आप बच्चे की तरह जब स्नेह कर ही रहे हैं। और अभी हमारे मध्य में आदरणीय श्री सतीश जी जानकारी देंगे। जी जी श्री राधे। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी, साथ ही उनके डॉक्टर श्री गोपाल चतुर्वेदी जी। मेरा उनसे निवेदन कि वो मंच पर आए और श्री व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करें। और हम सब भक्तों पर कुछ आशीर्वाद वचन प्रदान करें हम सबके लिए। श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज श्री रघुवर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यूं तो यह कार्यक्रम कहीं भी किया जा सकता था, बंगलोर में किया जा सकता था, दिल्ली में किया जा सकता था, हरियाणा में किया जा सकता था, पंजाब में किया जा सकता था, परंतु श्री धाम वृंदावन में करने से इसका फल सतगुणा हो जाता है। साथ ही आजकल पितृपक्ष चल रहा है, उसमें इस कथा का आयोजन करना अत्यंत पुण्यदायी एवं फलदायी है। मैं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज से इस ट्रस्ट की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं। साथ ही उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो सिंगल परिवार को इतनी शक्ति ऊर्जा व प्रेरणा प्रदान करें कि वो अपने इन विभिन्न सेवा प्रकल्पों को और अधिक गति से आगे बढ़ा सकें। हम लोग आज ब्रजभूमि कल्याण परिषद, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्रजभूमि के कल्याण के लिए निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और उसके संरक्षण व उन्नयन के लिए बहुतेरे कार्य कर रही है, सौभाग्य से हम लोगों के मध्य आज ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल जी वशिष्ठ, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुमूल्य निधि है, जो कि संस्थाओं की भी संस्था है, वो हम लोगों के मध्य विराजित हैं। मैं ब्रजभूमि कल्याण परिषद का समन्वयक डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी पुनः श्री रघुवर चैरिटेबल ट्रस्ट की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। साथ ही हम लोगों के ट्रस्ट ने निर्णय किया कि न केवल श्रीधाम वृंदावन के गौरव, न केवल उत्तर प्रदेश के गौरव, बल्कि समूचे देश के गौरव परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीहित ललित वल्लभ नागार जी को सनातन गौरव की उपाधि से सम्मानित करें और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की, उनके उत्तरोत्तर विकास की ठाकुर जी से कामना करें। तो मैं सर्वप्रथम पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगा कि वो ट्रस्ट के संबंध में और अपने कार्य योजना के संबंध में 2 शब्द व्यक्त करें, उसके बाद हम लोग परम पूज महाराष्ट्र जी का अभिनंदन सम्मान वंदन करेंगे।
दिव्य धाम बिंदा विपिन दिव्य गौर तन श्याम दिव्य केल कीड़ित सदा देव उपासक नाम। ये पूर्व जन्म के कोई कर्म है, आपकी त्याग है, भक्ति है, गुरु कृपा है, ब्रजवासियों की संतों की कृपा है, जो आप श्रीमद् भागवत का श्रवण श्री धाम वृंदावन में कर रहे हैं। ये भगवान का नित्य लीला धाम है, ये कोई तीर्थों में इसकी गिनती नहीं है, ये तीर्थों से अलग है, भगवान का नित्य धाम है। यह नित्य लीला प्रिया प्रीतम जी की नित्य हो रही है, इसलिए जो है मैं भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सभी भक्तन की जय, जय जय श्री राधे। भागवत चातुर्मास में आप श्रवण कर रहे हैं, चातुर्मास में जितने भी तीर्थ हैं सारे पृथ्वी पर सबका निवास इस ब्रजधाम में होता है। दूसरी जो है 33 कोटि देवता का निवास इस 84 कोष में होता है चातुर्मास में। भगवान जो है जो भी कुछ कार्य करते हैं सब उनके लिए उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, और भगवान जीव पर कृपा करते हैं। यहां चार चीजें निरंतर वर्षा हो रही है, एक तो जो है यह वैष्णव रस निरंतर बढ़ रहा है, पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं जो बैठे हुए हैं, वैष्णवों का रस निरंतर बरस रहा है यहाँ, और जो है फिर भक्ति रस बरस रहा है, भक्ति का रस वर्षा हो रही है, फिर जो है लीला रस बरस रहा है, भागवत की कथाएं सुन रहे हैं, लीलाएं देख रहे हैं, और उसके बाद फिर राधा रस की नित्य वर्षा हो रही है। ऐसा श्री धाम वृंदावन जब भगवान की नित्य लीला में जो है राधा रस बरस रहा हो उससे ज्यादा और क्या, जैसे हमारे व्यास जी ने आपको सुनाया राधा जी के विषय में। और ये भागवत सुनने जो है कौन कौन उपस्थित हो रहे हैं, केवल हमारी अर्जुन जैसी दिव्य दृष्टि भगवान जब देंगे, गुरु कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, तभी हम देख पाएंगे। इस भागवत को श्रवण कर रही है सबसे पहले भक्ति रानी, फिर उसके बाद यमुना महारानी, और इस भागवत को श्रवण कर रही है श्री वृंदा रानी, और इस भागवत को श्रवण कर रही है श्री ब्रज रानी, और भागवत को श्रवण कर रही है श्री राधा रानी। ये सब उपस्थित है, भागवत का श्रवण कर रही है हमारे व्यास जी के द्वारा, और लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए कहीं भी चले जाइए सारे तीर्थ में, यहाँ तीनों देवता जो है पर्वत रूप में विराजमान है, जो है गिरिराज जी को जो है विष्णु पर्वत कहते हैं, और जो है उसको बरसाना को ब्रह्मा पर्वत कहते हैं, और जो है नंदगांव को सिद्ध पर्वत कहते हैं। तीनों देवता भगवान की लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं, तो या तो जो है भगवान की अवरल भक्ति जो करता है, राधा राधा कैटी सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा नाम लिए से जाए। यहाँ जय श्री राधे बोल दीजिए, राधा जी का ध्यान कर लीजिए, श्रीमद् भागवत सुन लीजिए, तो आपका जो है पितरों का कल्याण, पितृसरों का कल्याण, आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण, जन्म जन्मांतरों के पाप या नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ब्रजभूमि को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जिस शिष्य द्वारा यह आयोजित किया गया है उस शिष्य को भी मैं उसके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ट्रस्ट निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता रहे, और इस प्रकार कथाएं कराता रहे, अध्यात्म में रस धारा बहता प्रभावित करता रहे। जय श्री राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुदः वृष्णिमादरः, सुवञ्जावानो विदधे कुजगमयः, अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पशेमाक्षभृजजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा गुंसस्तनुभिर्व्यसे महि देवैदन् जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जरसन्तनूनां मा पुत्रासौ जत्रपितरो भवन्ति मानो मधियारि ऋगदायुर्गन्तो द्योरादितिरन्तरिक्षमदिधर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् द्यूहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरौघदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। तो अभी आरती या फिर एकाद रसिया हो जाए, रसिया हो जाए तो सब झूमने के लिए तैयार हो ना। हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर इसके पश्चात फिर आरती, ठीक है, क्योंकि आप सब बड़े मस्ती में झूमने की तैयारी में हैं और मस्ती में झूम ही रहे हैं। चम चम तेरी चम चम तेरी चम चम पायल बाजेरी हो बरसाने वाली चम चम पायल बाजेरी हो परसाने।
सुनने में आवाज आई तो कहा भयो, पूछो पूछो कहा भयो, कहा भयो, तेरी मैया, तेरी मैया, तेरी मैया लाड लड़ा बैरी हो परसाने बारी, तेरी मैया लाड लड़ा बैरी हो परसाने बारी, ओ तेरी मैया, 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 तेरी मैया पायल, और पायल से कैसी आवाज आ रही है, छम छम, लेकिन आएगी कब, जब कूदेंगे। तो एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, जितने भक्त बैठे हैं ना सब खड़े हो जाओ और बड़ी मस्ती में गुनगुनाओ, हो तेरी कूदते भय, हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी, छम छम पायल बाजेरी हो बरसाने बारी, अभी तो शुरुआत हुई है, जितने पीछे खड़े ना सब कूदते भाई, हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी, चम चम पायल बाजेरी हो बरसाने बारी, मस्ती में झूमते हुए
बोला है, जब वृंदावन में पायल बाजी तो कहा भयो, पूछो पूछो कहा भयो, अरे कहा भयो, सुनना चाहोगे तो पहले बोलो राधे राधे, राधे राधे, ऐसे ना और जोर से राधे, और जोर से राधे, तो सुन ले वो, जब पायल बाजी वृंदावन में तो कहा भयो, कहा भयो, सुनोगे, हे पायल पे, हे पायल पे, दोनों हाथ उठाओ जरा और कूदने का ध्यान रखना, हो पायल पे, पायल पे, पायल पे मेरा लिया बाजी, हो मनसाने बाजी, पायल पे मेरा लिया बाजी, हो मनसाने बाजी, हे पायल पे मेरा लिया बाजी, हो मनसाने बाजी, अब जैसी मुरली आवाजी तो कहा भयो, हे लुट गई, हे लुट गई, हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत, लुट गई रे, लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत, लुट गई रे, लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत, लुट गई रे, लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत, अच्छा लुटे क्यों सूरत पर, पता है आपको, ये राधा, ये राधा, ये राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा बल्लभ की अखियां जादू कर गई, प्यारे की अखियां जादू कर गई, प्यारे की अखियां जादू कर गई, लुट गई। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, थके तो नहीं हो ना, थोड़ा थोड़ा थक गए ना, नहीं थके, हे लुट गई, हे लुट गई, हे लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे, लुट गई रे, लुट गई, लुट गई रे तेरी सूरत पे, 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 लुट गई रे तेरी सूरत, झूलो प्यारे झूलो सी मस्ती और कहावत, काशी कहूं कहना नहीं मानत, ननन पर गई डोरी, काशी कहूं कहना नहीं मानत, ननन पर गई डोरी, फकीरी मेरी ननन पर गई डोरी, फकीरी मोरी ननन पर गई डोरी, काशी कहूं कहना नहीं मानत, ननन पर गई डोरी, सखी जो गोपाल जी से नैनन की डोरी पड़ी ना, तो पता कहा भयो, आप हम नाचे राधे राधे, ठाकुर रहे आप हम नाचे, मोहिन चावे और करे है पर जोरी, सखीरी तो खूब करे है पर जोरी, काशी कहूं कहना नहीं मानत, ननन पर गई डोरी, काशी कहूं कहना नहीं मानत, ननन पर गई डोरी, आप हम नाचे मोहित चावे और करे पर चोरी, हो नाचे मोहित
सखी कहती है, मैं तो वासों बोलत नाही भाभी कह कह बोले हो, भाभी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जाने अब तो और गजब कर दियो। पता कहा, मैं तो वासो बोलत नाही प्यारी कह कह बोले हो, बोले प्यारी बोले और कहा करे, वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की कुंज गलिन में आगे पीछे तो गए हो, वृंदावन की कुंज गलिन में आगे पीछे तो गए हो, वृंदावन की कुंज गलिन तो फिर क्या हुआ, एक ही नाम राधा चीरा धारा 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 इसी संकीर्तन के बाद आरती करेंगे भागवत जी की, और जो आरती करेंगे तो अपने स्थान से खड़ा होना पड़ेगा, तो जो बैठ गए ना एक बार खड़े हो जाओ, फिर इसी कीर्तन के साथ हम विश्राम करेंगे फिर आरती में जाएंगे, और खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके गाइए मेरे साथ, हे राधा da 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 da
सरकार की श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी मिलकर के भागवत जी की आरती करेंगे। ओम ओम देवं ब्रजालनं चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राण समुखाद अग्निराजायत ज्वालामालिनी नमः गंधादि संभूज्य श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिजा हरी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे हो प्यारी बलजी मेरा मन मोहे प्यारी बलजी मेरा मन हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी हो जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी हो मेरे चरणों के दर्शन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।